ड्राइवर को पीटकर बुरी फंसी। इस भाई की एक बात हमेशा के लिए गांठ बांध लीजिए, अपनी जिंदगी में कभी भी कहीं भी हमेशा उतना ही रायता फैलाइए जितना खुद में कुव्वत हो समेटने की, क्योंकि अगर कहीं आपकी कैसेट फंस गई तो उसको सुलझाने के लिए कोई नहीं आएगा। लेकिन फिर भी कुछ लोग बिना सोचे समझे कुछ भी कर जाते हैं और बुरे फंस जाते हैं। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, आज का वीडियो आपको कुछ बताएगा और कुछ सिखाएगा। आइए आपको मिलवाते हैं बॉलीवुड स्टार विद्युत जामवाल से। इन्हें कौन नहीं जानता भाई, इनके मार्शल आर्ट सीन और स्टंट को देखकर अच्छे अच्छों को लगता है काश मैं भी ऐसा कर पाता, और बहुत लोग तो कोशिश भी करते हैं लेकिन अपना हाथ मुंह तोड़वा बैठते हैं। एक इवेंट के दौरान विद्युत जामवाल को रैम वॉक करना था, मगर इन्होंने सोचा कि खूबसूरत लड़कियों को जबरदस्त इम्प्रेस किया जाए। इन्होंने बैक फ्लिप करके दिखाने की कोशिश की, उन्होंने बैक फ्लिप तो मार ली लेकिन उल्टा सिर के बल नीचे गिर पड़े, अच्छी खासी इज्जत का खचरा हो गया। तो इन्होंने दोबारा कोशिश की और दूसरी बार में भी ये अनबैलेंस हो गए, मगर फिर भी स्टाइल मारने से नहीं चूके। क्या करें, इसी स्टाइल के दम पर तो रोजी रोटी चलती है। कोई नहीं यार, कभी कभी अच्छा खासा भरोसेमंद बेस्टफ्रेंड भी जीरो पर आउट हो जाता है, सही कह रहा हूँ ना कि नहीं। बाइक पर स्टंट करते हुए अपने आप को दूसरों की नजर में हीरो साबित करना आजकल के नौजवानों का शौक बन गया है। यह नौजवान अपनी बाइक से चला जा रहा था और इसके ठीक सामने एक दूसरा बाइकर था, वह बाइक से स्टंट परफॉर्म कर रहा था। इसे लगा कि यह भी कर सकता है, कंट्रोल नहीं कर पाया, नतीजा भी सड़क पर धड़ाम वाला स्टंट परफॉर्म हो गया। अब यकीन है कि यह दोबारा ऐसी हरकत करने से पहले 100 बार तो जरूर सोचेगा। बाइक पर स्टंट करना कुछ लोगों का तो शौक होता है, मगर दूसरों के लिए एंटरटेनमेंट। अगर इस तरह के स्टंट ऑर्गेनाइज तरीके से पूरे सिक्योरिटी के साथ किए जाए तो खतरा कम हो जाता है। अगर बाय बैड लक अचानक कोई दुर्घटना हो जाए तो उससे नुकसान भी कम होने की संभावनाएं होती हैं, क्योंकि तत्काल रेस्क्यू किया जा सकता है। कुछ ऐसा ही यहाँ पर चल रहा था, कुछ लड़के स्टंट परफॉर्म कर रहे थे, लोग एंटरटेन भी हो रहे थे, मगर एक बाइकर ने स्टंट को अलग ही लेवल पर ले जाने की कोशिश की। उन्होंने एक लड़की को अपनी टांग फैलाकर बैठने के लिए कहा। उसका कहना था कि वो लड़की के पैरों के ठीक बीच में आकर बाइक रोक देगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही, लेकिन रुकते रुकते भी बाइक लड़की की टांगों के बीच में जोर का झटका धीरे से दे गई। अब आप समझ सकते हैं कि अगर इसने अपने किसी लड़के के साथ ऐसा किया होता तो बाइक के टायर से लगा जोर का झटका भले ही धीरे से लगा हो, मगर लड़के की जिंदगी पर हमेशा के लिए भारी पड़ सकता था। उसकी गोटियां या समझ गया ना। जिन लोगों को समझ में आ गया है वो कमेंट बॉक्स में आकर अपनी सहमति जरूर दें, और जिनकी समझ में नहीं आया है वह उनसे पूछ लें जिनकी समझ में आ गया है। स्टंट करने के मामले में केवल बाइकर ही नहीं, कार के ड्राइवर भी पीछे नहीं है। बीच चलती हुई सड़क पर इस कार ड्राइवर को ड्रिपिंग करने का भूत सवार हुआ। भाई साहब, चलती सड़क पर ट्रैफिक की परवाह किए बगैर लगातार अपनी कार को ड्रिपिंग करा रहे थे, और यह हिंदुस्तान है, यहाँ कोई किसी को गलत करते हुए रोके ना रोके लेकिन उठे जरूर कवर कर लेता है। ऐसा ही किसी कैमरामैन ने इनकी ये वीडियो बना ली। कार की ड्रिपिंग के आखिरी राउंड में इनकी कार सड़क के किनारे लगे खंबे से जा टकराई, कार पर डेंट आ गया, इसके साथ जो टूट फूट हुई वह अलग। हो सकता है कि इनके अपने पिछवाड़े पर भी खंबे से टकराने के बाद चोट लगी हो। हमें यकीन है कि आगे ऐसा कुछ करने से पहले ये अपनी कमर और अपने पॉकेट को एक बार जरूर चेक कर लेंगे। उल्टे सीधे काम करने में नौजवान लड़के लड़कियों के साथ साथ बच्चे भी पीछे नहीं हैं। यह लड़का लिफ्ट में घुसा, लिफ्ट का डोर बंद हुआ, फिर इसने लिफ्ट के ऑपरेटिंग बटनों पर सूसू करना शुरू कर दिया। यह देखकर मुझे फिल्म 3 इडियट्स के उस सीन की याद आ गई जिसमें आमिर खान के कमरे के बाहर उसका सीनियर सूसू करता है, लेकिन उसके सूसू मंडल में करंट का झटका लग जाता है। ऐसा ही कुछ यहाँ हो सकता था, मगर गनीमत रही कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन लिफ्ट की सारी बटने उसकी सूसू से भीग गई और भीतर शॉर्ट सर्किट हो गया। इसके बाद इसको अपनी ही पेशाब में हाथ डालना पड़ा। बच्चों की ऐसी हरकत के पीछे कोई लॉजिक नहीं होता, केवल एक मस्ती और शैतानी होती है, लेकिन कभी कभी शैतानी के चक्कर में लेने के देने पड़ जाते हैं। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होते इस वीडियो को देखिए, जहां कुछ लड़कियां एंजॉय कर रही हैं,
वीडियो में गाजियाबाद की एक लड़की है जो अपनी कुछ सहेलियों के साथ बाइक पर स्टंट करती नजर आ रही है। इनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हुआ। चलती सड़क पर इस तरीके से स्टंट करना न केवल आपकी बल्कि आसपास चल रहे लोगों की भी जान का खतरा बन सकता है। केवल अपने थोड़े से मजे के लिए किसी की जान को खतरे में डालना किसी तरीके से सही नहीं हो सकता। इनके इस वीडियो को ट्रैफिक पुलिस ने भी देखा और इन्हें पकड़ लिया। पकड़ने के बाद इनका 28,000 का चालान कट गया। चालान कटने के बाद भी मैडम को अक्ल नहीं आई, उल्टा वह यह कहने लगी, इतने सारे लोग स्टंट करते हैं, चलती बाइक पर बिल्ली मारते हैं, मगर चालान केवल इन्हीं का कटा और वह भी लड़की होने की वजह से। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये मैडम गलती होने पर भी उसे मानने और उसे सुधारने की बजाय दूसरों की गलतियों को पॉइंट आउट करके खुद को विक्टिमाइज करने की कोशिश कर रही हैं और अपना लड़की होने का नाजायज फायदा उठा रही हैं। वैसे इस बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। आपको बता दें कि एक बार चालान कटने के बाद भी इनको अक्ल नहीं आई और यह दोबारा बाइक पर स्टंट करती नजर आई। उसका वीडियो इन्होंने बनाया, बाइक चलाती हुई लड़की के ऊपर बैठकर विक्रम बेताल वाला पोज इन्होंने चलती सड़क पर बनाया। मैडम गनीमत तभी तक जब तक आपकी बाइक आपके कंट्रोल में है। याद रखिए अगर बाइक ने अपना चालान काट दिया तो क्या हो सकता है ये आप अच्छे से समझ सकती हैं। डॉक्टरी का पेशा बड़ा ही नोबल प्रोफेशन माना जाता है। डॉक्टरों का एटीट्यूड भी शांत और डिसेंट होता है। मगर अब जरा इन डॉक्टर मैडम को देखिए, इन्होंने उबर टैक्सी को बुक किया और एक राइड ली, मगर मैडम के उतरने के बाद जब इस टैक्सी ड्राइवर ने बिल दिया तो ज्यादा बिल चार्ज करने के नाम पर यह उस पर भड़क गई। बात केवल हॉट टॉक तक होती तो कोई बात नहीं थी, यहाँ तो डॉक्टर मैडम हाथापाई पर उतर आई। गुस्से में आकर इन्होंने टैक्सी के भीतर जाकर ड्राइवर के सारे डॉक्यूमेंट सड़क पर फेंक दिए। वीडियो में ड्राइवर के साथ बदसलूकी करते हुए जब इन मैडम को इनके अधिकारियों ने देखा तो इन्हें सस्पेंड कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर के एक चौराहे पर हुए इस हाई वोल्टेज ड्रामे ने मीडिया में काफी सुर्खियां बटोरी। यह घटना 1 अगस्त 2021 की है। सीसीटीवी फुटेज से सामने आए वीडियो में यह बात पता चली कि यह लड़की चलते ट्रैफिक के बीच रोड क्रॉस कर रही थी और अचानक इसके नजदीक आकर एक कार रुक गई। लड़की को लगा कि यह कार वाला तो उसे उड़ा ही देगा। उसके अनुसार ड्राइवर की कार ट्रैफिक रूल्स को वायलेट कर रही थी। इसके बाद इस लड़की का गुस्सा सातवें आसमान पर चला गया। इसने आओ देखा ना ताओ और कार के ड्राइवर को चौराहे पर ही कार से बाहर निकालकर दनादन थप्पड़ बरसाने लगी। वह इस पर चिल्ला भी रही थी और इसे पीट भी रही थी। देखते ही देखते लड़की की इस हरकत ने पूरे देश में लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि कुछ महिलाएं अपनी आजादी का किस हद तक उपयोग करती हैं। बेचारा कैब ड्राइवर चिल्लाता रहा, अगर कोई लड़का होता तो मैं बताता। पुलिस भी तमाशा देखती रही और लड़की उसे पीटती रही। लड़की ने उस कैब ड्राइवर का मोबाइल भी तोड़ दिया। लड़की का नाम प्रियदर्शनी नारायण और उससे पिटने वाला ड्राइवर है शहादत अली। हालांकि इस घटना के पीछे लड़की की दलील यह है कि उसे बीते काफी समय से परेशान किया जा रहा था और कई बार उसे भी पीटा गया है। दोस्तों अपने गुस्से के साथ साथ अगर हम अपने मस्ती भरे मूड पर कंट्रोल कर लें तो इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है। लेकिन कहते हैं ना कि दिल है कि मानता नहीं, जिसके चलते लोग कुछ ऐसा कर जाते हैं जो बाद में उन्हें खुद की मुश्किलों में डाल देता है। वीडियो पर आपकी राय का इंतजार रहेगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।